हेलो बच्चों, नानी माँ दादी माँ का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं नारियल और खोए का भुजिया बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये मैदा है मेरे पास 1 पाव, और ये नारियल है, कच्चा नारियल, इसको जो मैं निकाल ली हूँ इसका, और इसका ऊपर का भी मैं छील दी हूँ, जो काला काला होता है उसको भी छील दी हूँ। ये खोआ है 1 पाव, इलायची पाउडर छोटी इलायची का, और ये मिल्क मीट है उसका, ये मिल्क मीट है, चीनी के जगह मैं इसको डालूँगी। सबसे पहले आप जो है एक मिक्सी जार ले लीजिए, और इसको नारियल को इस तरह से आप छोटा छोटा टुकड़ा कर कर और इसको पीस लेना है। ये छोटा छोटा टुकड़ा करके इसे इस तरह से पीस लीजिए। इस तरह से आप पीस लें। ये मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर, गैस भी ऑन कर दी हूँ, और ये इस तरह से देखिए इसको पीस लेना है। ये इस तरह से एकदम ये बारीक हो गया है, बहुत बारीक तो नहीं होता है, ये नारियल जल्दी बारीक नहीं होता है, मगर इतना हो जाता है। और इसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच कढ़ाई में तेल डाल दीजिए, तेल नहीं सॉरी घी डाल दीजिए, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये घी गरम हो गया, अब इसमें ये नारियल डाल दीजिए, नारियल को इस तरह से डालकर हल्का भूज लेना है, ज़्यादा नहीं भूजना है, ये हल्का इस तरह से आप भूज लीजिए। ये हल्का सा देखिए, ये हल्का सा एकदम भूज लीजिए, धीमा ही आँच रखिए, बहुत तेज नहीं। अब इसमें आप ये खोआ डाल दीजिए, 1 पाव खोआ है, इसको भी डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से इसको मिला लीजिए। ये मिल गया एकदम अच्छे, देखिए ये मिल गया। अब इसमें आप मिल्क मीट का 2 चम्मच डाल दीजिए, ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, क्योंकि खोआ भी मीठा ही होता है, बहुत तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 चम्मच इस तरह से आप डाल दीजिए। ये पूरा मिल गया, ये पूरा मिला दिए इसमें। अब आप चाहे तो ये मेवा डाल सकती हैं, देखिए मैं एक खरबूजे की बीज है इसको डाल दे रही हूँ, और ये काजू है इसको डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना भी डाल सकती हैं, और इसको भी इस तरह से मिला लीजिए। ये मेरा भरने का तैयार हो गया, अब इसको गुजिया में भरना है। ये मैदा है, मैदा मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ, इसमें आप घी डाल लीजिए, घी इतना डालिए कि जो मैदा को मिलाने पर घी और मैदा मुट्ठी बन जाए, उस तरह से घी डाल रहे हैं। इसमें मैं 4 चम्मच घी डाल दे रही हूँ, और इसमें ये इलायची पाउडर इसमें डाल दीजिए, और इसको सबको मिला लीजिए। ये घी मैं मिला ली हूँ, अब ये इसको देखिए एकदम अच्छे से मुट्ठी बन जा रहा है, ये देखिए एकदम। इसमें अब पानी डाल के एकदम कड़ा आटा इसको गूंदना है। ये मैं आटा गूंद ली थी, देखिए इस तरह से आप बना लीजिए, एक एक को इस तरह से बनाकर इसको बेल लेना है। अब इसको एक एक करके आप पतला पतला सा इसको इस तरह से बेल लीजिए, एकदम पतला इसको बेलना है। ये बेल ली हूँ मैं, देखिए इतना बड़ा बेलना है। अब इसमें आप चाहे तो हाथ से बना सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। इसमें इस तरह से बिछा लीजिए इसको, इस तरह से एकदम अच्छे से इसको बिछा लीजिए। अब इसमें आप इसको भर लीजिए,
जितना भी चाहे आप भर सकती हैं इसको। अब भर के अब इसके चारों तरफ पानी, चारों तरफ से पानी लगा लीजिए ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। फिर ये ऐसे करके इसको इस तरह से आप ये ऐसे दबा दीजिए, एकदम अच्छे से ये दब के दबा कर अब ये सब जो है फालतू इसको निकाल दीजिए। हो गया, अब इसको आप खोलिए, ये देखिए, ये देखिए ये बन गया। अब इसको निकाल लीजिए इस तरह से, ये बन गया, ये देखिए ये बन गया। इस तरह से सारा आप बना लें, जितना है सबको इस तरह से बना लें। ये देखिए ये मैं बना ली हूँ, ये हाथ से भी बनता है। और ये देखिए ये इस तरह से इसमें मैं बनाई हूँ, ज़्यादातर मैं हाथ से ही बनाई हूँ। ये सब देखिए ये मैं हाथ से बनाई, इसको बनाने का है कि इस तरह से बेल लीजिए, और बेल के हाथ से बनाने का है तो आप इस तरह से बेल, या तो चाहे तो उसमें ही बनाए या तो हाथ से ही बना सकते हैं। इस तरह से आप ये इसमें भर लीजिए, और भर के और ये दोनों पकड़ के उसको एकदम ऐसे इस तरह से बराबर से एकदम सटा लेना है। इसमें पानी भी लगा सकती हैं, अगर खुलने का डर हो तो आप पानी लगा लीजिए। इस तरह से एकदम सटा लीजिए, ये देखिए, और इसको उठाकर अब ये देखिए इस तरह से इसको ये इस तरह मोड़ दीजिए, इसको इतना जगह रखिए कि मुड़ आ जाए, इसमें इतना जगह रखना पड़ेगा। ये देखिए ये बन गया, और इस तरह से आप चाहे सब बना लें। ये कढ़ाई मैं चढ़ा दी हूँ और मैं तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें आप ये देखिए मैं हाथ से इसको बनाई हूँ, ये पूरा इसको धीरे धीरे डाल दीजिए। ये गुजिया इस तरह से एकदम धीमी आँच पर ही इसको छानना है। ये पलट लीजिए, ये मैं पलट ली हूँ, और इसको अब इस तरह से पलट लें। ये एक तरफ का सिका गया, अब इसको पलट लीजिए, ये देखिए इस तरह से पलटना है इसको। ये गुजिया तैयार हो गया, ये देखिए ये गुजिया तैयार हो गया। अब इस तरह से आप देखिए वो उसका साँचा वाला है ये, और ये हाथ का बनाया हुआ है, ये सब हाथ का बनाया हुआ है, ये सब ये हाथ का बनाया हुआ है। ये आपको आप लोग गुजिया पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।